नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम शाला की यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम हिमांशु और आज है 2 जनवरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स क्यू। आज के करंट अफेयर्स क्यू स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि अभी हाल ही में एपीईडीए ने यानी सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पर देखोगे किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा बनाने में निजी संस्थाओं का समर्थन कर रहा है। तो फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर है बी यानी मोरिंगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो मोरिंगा प्रोडक्ट्स के लिए आपको यहाँ पर बात करते हैं कि मोरिंगा प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए एपीईडीए क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं कि मोरिंगा प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं। तो देखिए मोरिंगा प्रोडक्ट्स एक तरीके से यहाँ पर मोरिंगा प्रोडक्ट्स एक तरीके से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो डेजर्ट रेसिस्टेंट हैं, यानी पूरी तरीके से इनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं हो सकती है, कहीं पर भी ये क्या कर सकते हैं, उग जाते हैं। ठीक है, तो और हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ये प्रोडक्ट्स हैं इनके लीव्स हैं, इनके पाउडर हैं, इनको यूज किया जाता है। कहाँ पर आप देखोगे तो वेजिटेबल्स में भी इसका यूज होता है, साथ साथ में इसकी पत्तियों का यहाँ पर यूज होता है हर्बल मेडिसिन्स में, और इसके साथ इसका वाटर प्योरिफिकेशन में भी काफ़ी अच्छा यूज होता है। खासकर बहुत सारी कंट्रीज़ को स्पाइसेस के रूप में भी यूज करती हैं। ठीक है, तो इसकी बाहर कंट्रियों में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो इसको यहाँ पर एग्रीकल्चर्स एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। यहाँ एपीईडीए ये सपोर्ट कर रहा है ताकि हम मोरिंगा प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट्स को यहाँ पर क्या कर सकें, बढ़ा सकें, ताकि हमारा मोरिंगा का एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा बढ़ सके। इसकी ज़्यादा पैदावार आप देखोगे तो ज़्यादा पैदावार आपको तेलंगाना आंध्र प्रदेश के राज्यों में यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। यहाँ पर आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस बैंक ने कोलेबरेट किया है, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन के टेक प्लेटफॉर्म्स के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, रिटेल बैंकिंग के अगली पीढ़ी के लिए टेक प्लेटफॉर्म के लिए निर्माण करने से कौन सा बैंक सेल्सफोर्स के साथ सहयोग कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है, यस बैंक। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रिटेल बैंकिंग क्या होता है। रिटेल बैंकिंग का मतलब होता है कि जब कोई भी बैंक किसी भी एक बैंक यानी कोई भी ब्रांच है मान लो, तो उस ब्रांच के अंदर सारे प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है, ऑल प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, ऑल प्रोडक्ट्स। ऑल प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर आप अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं, इंश्योरेंस भी आप ले सकते हैं, आप गोल्ड भी खरीद सकते हैं, आप यहाँ पर जो है कार लोन, होम लोन्स है ना, यानी आप यहाँ पर देखोगे डीमैट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं, आप इंश्योरेंस भी वो कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो दैट इज़ कॉल्ड रिटेल बैंकिंग। तो ये क्या करेगा, सेल्सफोर्स के प्लेटफॉर्म को यहाँ पर यूज करेगा जिससे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स मिल सकें यस बैंक को, और बैंक की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ सके। आगे हम बात करते हैं कि किस इंडियन सैटेलाइट ने कहा है कि हम कॉमन पीपल्स के नाम को स्पेस में ले जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है PSLV C-51। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यहाँ पर इसका C-51 जो रॉकेट होगा ये क्या करेगा, कॉमन पीपल्स के नाम को यहाँ पर लेकर जाएगा स्पेस में, जिससे लोगों को जो है अवेयर हो सके, उनके अंदर क्यूरियोसिटी हो सके, ताकि वो स्पेस साइंस के बारे में अधिकतर जाने। ठीक है, 3 जनवरी लास्ट डेट रखी गई है जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं यानी रजिस्टर कर सकते हैं, और अगले 2 दिनों में यहाँ पर आप देखोगे कि लास्ट लगभग 5 जनवरी तक यहाँ पर कई लोगों के नाम यहाँ पर रजिस्टर होने, 17 लाख लोगों के नाम यहाँ पर स्पेस में जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अभी हाल ही में किस कंट्री ने इंडियन सबमरीन INS सुंदरवीर को अपनी नौसेना में शामिल किया है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है म्यांमार ने। अभी हाल ही में देखोगे म्यांमार ने अपनी 73rd ये जो एनिवर्सरी थी उसमें यहाँ पर क्या किया है, अब INS सुंदरवीर को क्या किया, शामिल किया है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर आप देखोगे ये एक तरीके से किलो क्लास सबमरीन है जिसका डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ देखोगे कि 3000 टन्स का है, और ये क्या करेगा यहाँ पर 20 नॉटिकल माइल्स की स्पीड के साथ यहाँ पर चल सकती है। साथ साथ में आप देखोगे यानी 45 डेज तक यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक वॉरियर के तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। 40 किलोमीटर के वायर गाइडेड यहाँ पर टॉर्पीडोज यहाँ पर लगे हैं, और साथ साथ में एंटी शिप्स क्रूज मिसाइल्स भी इसमें इंस्टॉल हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कि ये किलो क्लास सबमरीन से एक तरीके से रसिया की सबमरीन है, जिसको यहाँ पर रसिया, इंडिया, चाइना, अन्य कंट्री भी इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बात करते हैं किस बैंक के साथ अभी हाल ही में पार्टनर किया है, रुपे के साथ अभी पार्टनरशिप किया है टू लॉन्च द पेमेंट सॉल्यूशन इन एसोसिएशन विद द पे नियर बाई। तो इसका सही आंसर क्या है, RBL बैंक। RBL बैंक के साथ अभी हाल ही में क्या किया है, रुपे कार्ड ने यहाँ पर पे नियर बाई के साथ मिलकर भुगतान समाधान करने के लिए यहाँ पर टाई अप किया है, यानी एग्रीमेंट किया है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि ब्रह्मपुत्र आमंत्र अभियान अभी हाल ही में किस स्टेट में चलाया जा रहा है। तो ये चलाया जा रहा है असम और अरुणाचल प्रदेश में।
इसका हम लोग थोड़ा सा मैप अगर देख लेंगे तो देखिए ये है ब्रह्मपुत्र जो मानसरोवर लेक से निकलती है, जहाँ पर उसका नाम होता है यारलिंगसांगपो, और इसके बाद यानी वो क्या करती है अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है जिसे दिहांग नाम कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखोगे आसाम में जब आती है तो उसको हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं। उसमें बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं लोहित है सुबनसरी है मानस है ना, ये सभी ट्रिब्यूटरीज क्या करती हैं इसमें एंटर करती हैं। जिसके बाद ये बांग्लादेश में जब एंटर करती है तो उसका नाम जमुना हो जाता है, और यहाँ पर ये क्या कर सकती है गंगा से मिल जाती है, जहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र का एक डेल्टा बनता है, ठीक है, जिसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, मतलब अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस स्टेट ने अनाउंस किया है कि हम अपने पाठ्यक्रम में क्या करेंगे सिख गुरुओं के इतिहासों को शामिल करेंगे, तो इसका सही आंसर क्या है उत्तर प्रदेश। आपको लग रहा होगा पंजाब, पंजाब इसका सही आंसर नहीं है, लेकिन इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में क्या क्या कहा है कि हम अपने जो भी स्कूल का करिकुलम होगा वहाँ पर हम लोग सिख गुरुओं के इतिहास को क्या करेंगे शामिल करेंगे। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपसे पूछा है कि किस कमेटी को अभी हाल ही में अवार्ड दिया गया है, किसके लिए, कि उसने डिजिटल गवर्नेंस में काफ़ी बेहतर काम किया है, तो ये है सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी, जहाँ पर आप देखोगे इन्होंने डिजिटल गवर्नेंस में काफ़ी बेहतर काम किया है। यानी आप यहाँ पर देखोगे कई सारे केसों की सुनवाई या कुछ भी, ये जो कमेटी ने डिजिटल गवर्नेंस में बढ़िया काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बिहार में किस स्टेट ने फर्स्ट राइस ATM यहाँ पर सेटअप किया है, तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक ने बेंगलुरु में यहाँ पर सेटअप किया है, और यहाँ पर आप देखोगे बेंगलुरु में जो स्लम एरिया है वहाँ पर ये क्या करेंगे, ये ऑपरेट करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अभी हाल ही में किस अभी हाल ही में कंपनी ने यहाँ पर लॉन्च किया है, किस कंपनी ने लॉन्च किया है गैस टर्बाइन का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसका सही आंसर है IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अभी हाल ही में गैस टर्बाइन का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम क्या किया है, लॉन्च किया है, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर दोस्तों के साथ शेयर करिए।